हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे ट्रैवल व्लॉग का पार्ट 10। और जंगल सफारी के लिए हम आए हैं जिम कार्बेट, और यहाँ पर देख रहे हैं आप रातुल जी को, वो अपने बाल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बाल उड़ उड़ के एकदम चिपक गए थे और कैप लगाने से पसीने से भीग गए थे। तो यहाँ पर ये मेन गेट पास है जहाँ से अब हम अपनी सफारी के लिए निकलेंगे, और बीच बीच में मैं आपको नेचुरल क्लिप्स भी दिखाऊँगी। तो धनश्री साथ में खेल रही हैं और वो भी अपने बाल कंघी करा रही हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, और इनको देखिए, ये बहुत ही खुश हो रहे हैं क्योंकि ये इनकी लाइफ की भी फर्स्ट जंगल सफारी है। एंड बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ भी देखे, अलग अलग तरीके के वैरायटी वाली चीज़ें हमें देखने को मिली, वही सब हम आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस पानी पे आ सकते हैं? बिल्कुल। इसमें कोई रिवर बेल्ट वगैरह नहीं है ना जाले जोन में, इसमें ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल और नेचुरल पॉन्ड भी है कुछ। अच्छा, जिसमें बारिश का पानी अभी भी जमा है तो एनिमल वो पीने आते हैं, देख जाते हैं। और ये जो तो बड़े ओवर हाइट के ट्री हैं, ये साल के पेड़ हैं, 300 साल की एज होती है इसकी। 300 साल की। पहले कभी ट्रेन के स्लीपर्स के नीचे ये यूज होता था। अच्छा, अलाउड नहीं है, इसको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसलिए अब कंक्रीट के। नाम क्या लकड़ी का? शाल। पेड़ के लिए कहावत भी है ना, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, आपने सुना होगा कभी, इसी पेड़ के लिए कहावत है वो, 300 साल की। लेकिन इसका 300 साल प्लस जाता है, और पानी जितना ज्यादा मिलेगा इसको उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको पानी के अंदर डुबा के रखो तो ये करोड़ों साल तक ऐसी रहेगा। पहले कभी भी देखा होगा आपने, जो पुराने जमाने के घर हैं उनके लेंटर इसी पे टिके होते थे। हाँ, 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 और कहते हैं कि जो ताजमहल की नींव है वो इसी पे टिकी हुई है। अच्छा, तो वहाँ तो पानी है नीचे। हाँ, कुछ ना कुछ सोर्स तो रखा ही होगा उन्होंने नमी के लिए, ये तो नमी बनाई होगी ना। जंगल का रास्ता इतना खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। और जो ये गाड़ी चला रहे थे ना भैया, ये ही गाइड थे, तो इन्होंने कहा कि ये गाड़ी इन्हीं की है, लेकिन ये सब गाड़ियां गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं, और ये जीप जो है ओपन जीप, ये यही चला सकते हैं सफारी वाले। तो आपको पता है, ये इतना औसम व्यू था यहाँ पर, और एक हल्की सी आहट भी हो रही थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ से तो नहीं टाइगर आ जाएगा, और मुझे तो डर भी बहुत लग रहा था, मगर एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो हम चलते चले जा रहे थे। अरे सो रहा है बेटू, क्यों अभी मेरा गुड्डा सो क्यों रहा है? अरे सफारी देखो ना पूरा, टाइगर देखो ना। यहाँ के होटल कहाँ पे हैं? रामनगर में। यहाँ के जो होटल मिलते हैं और रामनगर के चारों तरफ है सर, बहुत रिजॉर्ट है। प्राइवेट भी होंगे? सारे प्राइवेट ही हैं, जंगल के अंदर है वो गवर्नमेंट का है, गेस्ट हाउस। हाँ, जैसे आपको कभी जंगल के अंदर नाइट स्टे करना है तो यहाँ पे सुविधा है फाटो जोर में। अच्छा, ऐसी जैसे अभी ढिकाला वाली बात हुई थी ना, वहाँ ढिकाला के अंदर भी गेस्ट हाउस है, वहाँ पे कंपलसरी है। अच्छा, नाइट स्टे वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 रात और कम से कम 1 रात आप रुकोगे तभी घूम पाओगे वाला जोन ना। अच्छा, रात रुकने का मतलब है कि रात में आपको सोना है, दिन में यही टाइम पे सफारी करना है, जो टाइम यहाँ पे होते हैं सेम टाइम सफारी होती है अंदर की ना। अच्छा, पेपर फॉर्मेलिटी ये वो चीज से बच जाता है इंसान, पूरा टाइम मिलता है उसको घूमने का, जितना ज्यादा सर्च कर रहता है जंगल के अंदर उतनी अच्छी वाइल्ड लाइफ दिख जाती है वहाँ पे ना। तो वहाँ का यहाँ पे भी ऐसी है सर, यहाँ पे भी आज नाइट स्टे लो, 8 घंटा गाड़ी में बैठ के घूमना है, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम। अच्छा अच्छा, क्या चार्जेस रहते हैं उसमें सर? समथिंग एक नाइट का जो आपका खर्चा है 2500 रुपये का आ जाता है।
अच्छा, उसमें एक नाइट में दो राइड मिलेंगे आपको घूमने के लिए। हाँ। रूम मिलेगा अंदर और खाना होगा। ये सरकारी वाला? हाँ, सरकारी। प्राइवेट जो बाहर है वो? प्राइवेट जो बाहर है उसमें समथिंग वो आप लोग पर डिपेंड करता है, वहाँ तो 5500 से स्टार्ट होता है सर, 1,00,000 रुपए तक का रूम है। इनकी बुकिंग तो पहले हो जाती होगी सरकारी वालों को? 45 डेज पहले एडवांस बुकिंग का सिस्टम तो पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा ना, सोचे तो जैसे अभी ज़्यादा रस नहीं है तो इसमें मिल जाएगा आपको फंडों में। बाकी जिन्ना, बिजरानी, ढिकाला आपका और ढेला, इसके नाइट स्टे करने के लिए 45 दिन से भी पहले बुकिंग करानी होती है। बाहर करें तो पॉसिबल है? जो बाहर बुकिंग कर लें हमें लोग कराते हैं सर, टच में रहिएगा, नंबर मेरा ये है। कभी भी नेक्स्ट टाइम आपका प्लान बने नाइट स्टे करने का जंगल तो आप मुझे बता देना, 10-15 दिन 20 दिन पहले फांटो में करा दूंगा। अगर ढिकाला में करना है तो आपको 2 महीने पहले बताना पड़ेगा, बुकिंग करवानी पड़ेगी। तुम लेफ्ट देखो मैं राइट। ऐसी जो मिट्टी के टीले हैं ये टर्माइट हाउस है दीमक के घर। टर्माइट हाउस है, इम्पोर्टेंट रोल है जंगल के अंदर टर्माइट हाउस का। जितने भी डेड वुड है और डेड लीव्स है उसको डीकम्पोज करने का काम जो है टर्माइट का है। अच्छा, उसको खा के मिट्टी में चेंज करती है, सॉइल में कन्वर्ट करती है। उससे क्या होता है, जो जमीन के अंदर सॉइल है में रहती है, फर्टिलाइजर का काम करती है, तो पौधे ग्रो होने में भी इनको हेल्प। दनी, दनी, टाइगर देखेगा हमें आज? बच्चा? हाँ। दनी, अटकन, बाय बाय। लक होगा टाइगर दिख जाए। हम उसके घर में आए ना सर? हाँ। ऐसी कोई अनजान आदमी उसके घर, हमारे घर में आ जाए तो हम क्या करेंगे? छुप जाएंगे। हाँ। छुप जाएंगे या मार देंगे, ऐसे टाइगर का ही रोल है। अनजान आदमी हम उसके घर के अंदर, कुछ भी हो सकता है। अरे हमला नहीं करते क्या? नहीं नहीं, मॉक चार्ज होता है अगर बहुत ज्यादा करीब चले गए टाइगर के तो मॉक चार्ज, और दूर से दिखा तो इजीली दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मॉक चार्ज का मतलब गाड़ी की तरफ को दौड़ के आएगा और वापस चला जाएगा। अच्छा, ये करता है हवा खराब करने आता है। हाँ, अच्छी खासी हवा उड़ा देता है। पहले की लेडीज रफ करती थी ना, पहले सुखाती थी पेपर में रख के, फिर किसी चीज पर रफ करती थी, जो रेड रेड लेयर है उसके ऊपर, ये प्रॉपर सिंदूर नहीं है, सीट है, इतना बड़ा बीज है। ऐसी लेडीज भी अपना जो है बॉडी थोड़ा सा ठंडक देता ही था ये सिंदूर भी। आज की लेडीज लिक्विड लगाती है, बात बात पे बैलन उठा लेती है। पहले की लेडीजों का माथा शांत रहता था, ठंडा केमिकल है बिल्कुल। अब केमिकल आ गए हैं तो माथा वो ज्यादा गर्म रहता है। अच्छा, हाथी वाले दिख जाते हो ना इसलिए? हाँ, कोशिश तो रहेगी सर कुछ दिखे आपको। अच्छा, साइटिंग तो टाइगर की भी बहुत बढ़िया चल रही है, सुबह भी दिखा है, कल दोपहर को भी टाइगर दिखा है। दिखेगा बेटू, अब पकड़े रहना इसको। आ रही है। ओ, ओ। अच्छा, तुम लोगों को भर रही हूँ मैं, रील मिल रही है मुझे। मेरे पास एक और फोन है ना।